कॉमेडी के दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया। बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार ना होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को नहीं बचा पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उनके पीए राजेश शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूँ, अभी मेरी बात हुई है। राजू भाई का जाना बहुत बड़ी क्षति है हम सबके लिए। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। हालांकि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से हिंदी सिनेमा जगत में कदम तो जरूर रख लिया था, फिर भी राजू को अभी काफी लंबी सफर तय करना था। साल दर साल बीतते गए और राजू को उतना फेम नहीं हासिल हो पा रहा था जिसके लायक वो बने थे। पर फिर साल 2005 आया, वहां से राजू श्रीवास्तव की किस्मत ने करवट बदली। जी हाँ, इसी साल मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के हुनर से सबका दिल जीता और इसी शो से राजू श्रीवास्तव का नाम गजोधर भैया के रूप में मशहूर हुआ था।